हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट बनाना ब्रेड। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 ओवर राइप बनाना लिए हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा से पके हुए केले। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रंग, ये गया पहला, दूसरा और ये गया तीसरा बनाना। अब हम इनको अपने हाथों से ही इस तरीके से मैश कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी कांटे या चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ओवर राइप हैं, ये ज़्यादा पके हुए हैं, तो ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से मैश हो जा रहे हैं। वैसे तो आप इन सभी बनानास को मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मगर अगर आप इस तरीके से मैश करेंगे तो आपकी बनाना ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी बनेगी। और ये हमारे सभी बनानास लगभग अच्छे से मैश हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल या बटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हाफ कप का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपके सामने ही ऑयल ले रही हूँ। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, बस ऑलिव ऑयल मत लीजिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ऑयल की जगह बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो 100 ग्राम की टिक्की आती है बटर की, वो आधा कप ही होती है, तो उसको रूम टेम्परेचर पर ला के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम उसी हाफ कप में ले रहे हैं हल्का गुनगुना दूध। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसी कप का इस्तेमाल करा है, मतलब इस रेसिपी में हमें चाहिए आधा कप दूध। इस दूध को हम डायरेक्टली बोल में नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टीस्पून विनेगर यानी सिरका। सिरके की जगह आप नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एगलेस बेकिंग कर रहे हैं, एगलेस ब्रेड बना रहे हैं। ऐसा करने से हमारी ब्रेड अच्छे से फूल के आती है। जब तक दूध हल्का कर्डल हो रहा है, हम यहाँ पे एक बेकिंग टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस करने के लिए मैंने ऑयल का ही इस्तेमाल करा है। यहाँ पे मैं एक लोफ पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल बेकिंग टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये बहुत ईजीली अवेलेबल होता है, किसी भी शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। इसे डालने से जो चॉकलेट का फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होके आता है, तो इसको ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे जो हमने दूध में सिरका डाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का सा कर्डल हो गया है, हल्का सा फट गया है। तो अब हम इसको इस बैटर में डाल देंगे। तो ये तैयार हो गए हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे विस्क कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम तब तक विस्क करेंगे जब तक हमारा मिक्सचर बिल्कुल एक सार नहीं हो जाता। और ये हमारा मिक्सचर अच्छे से विस्क हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, मतलब पिसी हुई चीनी। चीनी को हमने घर पे ही पीसा है और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम इस बोल के ऊपर ही एक छन्नी को लगा देंगे और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 2 कप मैदा। ये 1 कप मैं डाल चुकी हूँ और ये गया 2 कप। और क्योंकि ये चॉकलेट बनाना ब्रेड है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, ये गया 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से छान लेंगे। तो अब हम अपने बैटर को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से बैटर जल्दी मिक्स होता है और ओवर मिक्सिंग नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट एंड फोल्ड, इस तरीके से मिक्स करना है आपको बैटर को। इसी समय हम इसमें डाल देंगे करीबन 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी जगह आप बादाम, अखरोट या कोई भी नट जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। चॉकलेट चिप्स अगर आपको डालने हो और नहीं अवेलेबल हो तो आप नॉर्मल डेरी मिल्क को भी चॉप करके डाल सकते हैं। जैसे ही हमारा बैटर मिक्स होकर तैयार हो जाएगा, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे पहले से ही ग्रीस करे हुए मोल्ड में। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनका जो केक है ग्रीस करने के बाद भी नीचे चिपक जाता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो नीचे बटर पेपर लगा दें। कुछ टिन्स ऐसे होते हैं जिसमें केक चाहे आप कितना भी अच्छे से ग्रीस कर लें वो नीचे चिपकता ही है। मेरे इस वाले मोल्ड में केक नीचे नहीं चिपकता है, मगर जो मेरा स्क्वायर वाला टिन वाला मोल्ड है उसमें ज़रूर से चिपकता है, तो उसमें मुझे नीचे बटर पेपर लगाना ही पड़ता है। बटर पेपर का रोल जहाँ पे आपको बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और अगर वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े और चॉकलेट चिप्स ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं, और अब हम इसको टैप कर लेंगे काउंटर पे ही, ताकि अगर कोई बड़े बड़े एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और अब ये जा रहा है एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 50 मिनट के लिए बेक होने के लिए। पहले मैंने इसको बेक होने के लिए 50 मिनट के लिए लगाया था, मगर जब 50 मिनट बाद जब मैंने इसको निकाल के देखा तो हल्का सा बैटर लगा हुआ आया था स्टिक के ऊपर, इसलिए मैंने फिर उसको दोबारा 10 मिनट के लिए फिर से बेक किया। तो टोटल टाइम हमें इसको बेक करने में 1 घंटा लगा, मतलब 60 मिनट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले 50 मिनट के लिए लगाया है, और 50 मिनट बाद जब हमने इसको देखा तो ये बनाना चॉकलेट ब्रेड बहुत ही अच्छी बन के आई है, बहुत ही लाजवाब लग रही है देखने में। मगर अभी ये थोड़ी सी कच्ची थी अंदर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आइसक्रीम स्टिक लगा के देखी तो उसके ऊपर बैटर लगा हुआ आया है। तो फिर से हम इसको ओवन में डाल देंगे 10 मिनट के लिए, वही 180 डिग्री सेल्सियस पे। और 10 मिनट बाद हमारी बिल्कुल परफेक्टली बेक बनाना चॉकलेट ब्रेड बन के तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आइसक्रीम स्टिक बिल्कुल क्लीन निकल के आई जब मैंने इसको चेक किया। इसको 5 मिनट ठंडा करने के बाद मैंने इसकी चारों तरफ चाकू इस तरीके से फिरा दिया, और फिर इसको निकाल के एक वायर रैक पे ठंडा होने के लिए रख दिया। वैसे तो आप इसको टिन पे भी छोड़ सकते हैं, मगर अगर आप इसको वायर रैक पे छोड़ेंगे तो इसका जो क्रस्ट है वो एकदम क्रिस्पी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, और क्रस्ट एकदम ब्रेड जैसा आएगा। और 10 मिनट तक इसको वायर रैक पे ठंडा करने के बाद हम आपको इसको काट के भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने घर पे बनाया है इतने आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, ये कितनी मॉइस्ट है। यहाँ पे बीच में आपको छोटे छोटे बनाना के पीसेस भी नजर आ रहे होंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब ये लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट फ्रेश एंड एंजॉय।